हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं जिसको मैं बोलता हूं टॉपिक ऑन डिमांड। अगर आपके तो आप मैं तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पेजेस पे शिवम सानी ऑफिशियल एंड थिंकिंग कॉमर्स पे। ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई स्टूडेंट्स, फॉर योर सपोर्ट आप कर रहे हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज एंड फॉर योर सपोर्ट। आप लोग को कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो फॉर क्लास 11 एंड 12, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हूँ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर विद नेम गाइडिंग गाइड क्लासेस। वेलकम बैक टू माय चैनल थिंकिंग कॉमर्स। मैं हूँ शिवम सानी एंड मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ जिसको मैं बोलता हूँ टॉपिक ऑन डिमांड। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस को लेके, सो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पेजेस पे शिवम सानी ऑफिशियल एंड थिंकिंग कॉमर्स पे आप मेरे को डीएम करिए। अगली वीडियो आई विल ट्राई टू मेक ऑन योर टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है अभी तक, जो सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, शेयर आप कर रहे हो, वीडियोस का व्यू कर रहे हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियोस एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सारे कॉन्टेंट देखना, अच्छा लगता है, वीडियो सही लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो ही सब्सक्राइब करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सब्सक्राइब करना ही है। लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इफ़ यू फील लाइक वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जानने के लिए अब हम लोग करेंगे स्टार्ट न्यूमेरिकल्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले वही फॉर्मूला पहले आप लिख लो, दो फॉर्मूलेस लिख लो। सबसे पहला ई डी इज इक्वल्स टू माइनस साइन पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ई डी इज इक्वल्स टू माइनस साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जिसके बेसिस पे हम इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कॉपी निकाल लो, कॉपी में आप लोग क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। लिखे क्वेश्चन, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 20 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 20 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10। When price increases by 5 rupees, he starts consuming 6 units. Calculate elasticity of demand. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे P P1 Q Q1। देखो P और Q होते हैं प्रीवियस ईयर के प्राइस और प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी, एंड 1 वाले दोनों नए होते हैं। तो ये सोचो, ये देखो, सबसे पहले P कितना था क्वेश्चन में, प्राइस कितना है, 10 रुपीस का प्राइस है। 10 रुपीस के प्राइस पे क्वांटिटी कितनी परचेस करता था वो, 20 यूनिट्स, ठीक है। वहां पे लिखा था ना 20 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10। फिर उसने बोला प्राइस इंक्रीजेस बाय 5 रुपीस, तो नया प्राइस कितने का हो गया, 15 का, क्योंकि 10 पुराना था, 5 रुपए से प्राइस और बढ़ गया, 15 का प्राइस हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, इट्स क्वांटिटी फॉल्स दैट इज ही स्टार्ट परचेजिंग 6 यूनिट्स, तो Q1 कितना हो गया, 6। तो ये आपको चारों आइटम्स मिल गए, मतलब हम ये फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। पहले वाला हमने लिखा ED इज इक्वल टू माइनस साइन
पी डेट इज 10 अपॉन क्यू 20 इंटू चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू मतलब क्या हो गया, क्यू वन माइनस क्यू. ठीक है, चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है, नए में से पुराना माइनस. ऐसी चेंज इन पी का मतलब भी क्या होगा, नए में से पुराना माइनस. सो चेंज इन क्यू कितना हो गया, 6 माइनस 20 माइनस का 14, 15 माइनस 10 5. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो आपका ये इलास्टिसिटी डिमांड आ गया. कोई डाउट इसमें? इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस में आंसर है तो माइनस लिखेंगे. वैसे इसके मोस्टली आपके पास प्लस में ही आंसर निकल के आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो रेंज होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसका आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए. मेन तो यही है आपके पास. अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है. सो ये जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है, जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है ये बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं. कंज्यूमर परचेजेस 200 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज ट्वेंटी. प्राइस फॉल्स बाय 20%. प्राइस फॉल्स बाय 20% He starts consuming units. Calculate elasticity of demand. ठीक है, तो प्राइस जब परचेज यूनिट दे रखे 200 की, जब 10-20 रुपए का प्रोडक्ट था, प्राइस फॉल हो गया 20% से, तो वो 300 यूनिट्स खरीदने लगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, करके देखिए एक बार कैसे करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस जो 20 का दे रखा है, फिर लिखते हैं क्वांटिटी जो 200 की दे रखी है, फिर देखते हैं P1 क्वेश्चन में. P1 के लिए दे रखा है इन्होंने प्राइस फॉल्स बाय 20%. तो भाई 20 रुपए का 20% 4 रुपए होता है, 20 माइनस 4 16 रुपीस. क्वांटिटी नहीं, वो कितनी खरीदेगा, 300 यूनिट्स की. सो आपके पास P1 Q1 दो सब कुछ है, तो फॉर्मूला लगा लो, ED इज इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q इनटू चेंज इन Q, Q1 माइनस Q अपॉन चेंज इन पी. 16 माइनस 20 माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, सो आ गया 10 अपॉन 4 दैट इज 2.5. ईडी कितना आ गया, 2.5 का. कोई डाउट इन दो क्वेश्चंस में? क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब. ठीक है, ये क्वेश्चन किसी बुक के नहीं है, नॉर्मल हम लोग एग्जांपल्स के बेसिस पे ऐसे ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. सो क्वेश्चन 3 क्या आ जाता है, लिखिए, कंज्यूमर purchases 250 units
एट अ प्राइस ऑफ 25, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 25। Price falls to 15 rupees he purchases he purchases 100 more units। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, निकाल के देखो इस वाले में पी कितना है 25, क्यू कितना है 250, पी वन कितना हो गया। अब देखो प्राइस फॉल्स 2 है, 2 का मतलब हो गया उतने तक फॉल कर गई, तो पी वन 15 हो गया, क्यू वन कितना हो गया 100 मोर मीन्स 350। So ED is equals to minus sign P upon Q into change in Q upon change in P. P is 25, Q is 250. Change in Q 100, change in P 15 minus 25 minus 10. So minus a minus cancel. So ED is equals to 1 and 1 means unitary, elasticity of demand is unitary. इसका यह मतलब हो जाता है सिंपल, 5% प्राइस में चेंज आया तो 5% क्वांटिटी में ही चेंज आएगा, दोनों में सेम परसेंट ऑफ चेंज है, तो उसको यूनिटरी बोलते हैं हम लोग। क्लियर विद दिस? बाकी हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कल। कोई डाउट है अभी तक के क्वेश्चन में, कुछ पूछना है तो कॉमर्स, अगर आप बेट से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मेरे को फॉलोअप कर सकते हो शिवम सानी ऑफिशियल पेज पे फेसबुक के, या फिर इंस्टाग्राम पे शिवम सानी ऑफिशियल, या फिर फ्रीकिंग कॉमर्स वाले पेज पे मेरे को DM कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे फॉलोअप कर सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप मेरी कोचिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जो गाइडिंग लाइट क्लासेस के नाम से मिलेगी आपको गूगल प्ले स्टोर पे। और बाकी कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट्स लगते हैं कभी भी किसी भी टाइम, आप मेरे को व्हाट्सएप पे, नंबर नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हो, या कोचिंग एप्लीकेशन है नहीं तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्री की कॉमर्स, प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, एंड मैं आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू।